अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए लेकर एक और मज़ेदार सी रिव्यूइंग वीडियो ऑफ आर मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट जिसको बायो एक्वा राइस एक्सफोलिएटिंग जेल। ठीक है, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि राइस जेल क्या होती है, इसे क्या बेनिफिट्स हैं, हाउ टू यूज, और इसको यूज करने के बाद आप क्या क्या डिफरेंस फील करेंगे अपनी स्किन में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि समर में राइस जेल क्यों जरूरी है, आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। इस तरह की इसकी आती है जी पैकेजिंग। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपको ये वाला इसका मिलेगा। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आई विल टेल यू इट्स बेनिफिट्स। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, समर्स में स्पेशली आपकी स्किन से डर्ट रिमूव होता है, आपकी स्किन से जो आपकी स्किन की अपर लेयर होती है उसमें से सारी आपकी गंद को बाहर निकाल देती है जो कि हमें मालूम ही नहीं था बट हमारी स्किन में रहते हैं। ठीक है, थर्ड ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करती है। फोर्थ थिंग ये आपको ग्लो देती है। ठीक है, फिफ्थ थिंग ये आपकी स्किन में एक इतना अच्छा वाला निखार निकल आती है जो कि आप बहुत फेशियल कराते हैं, ब्लीच कराते हैं, फिर जाकर आपको वो चीज़ मिलती है। राइजन से ये होता है कि आपकी स्किन होती है एक्सफोलिएट। ठीक है, एक्सफोलिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आप वीक में एक बार या दो बार लाजमी करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी जो स्किन होती है वो एक्सफोलिएट होती है, हमारी स्किन की लेयर्स है वो साफ होती हैं, हमें हमारी स्किन में इतनी सारी मेल होगी जो कि हमें नजर भी नहीं आती है, तो वो ये जल रिमूव करेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट करके छोटा सा। ठीक है, अपने ही हाथ के ऊपर। ठीक है जी, ये आपने लिया राइस जेल, मैं आपको बता दूँ आपने इसको यूँ लिया है। ठीक है, इसका स्कूल ही आता है, आप इसको लेंगे अपने हाथ पर देने, आपने इसको यूँ लगाया। ठीक है, इसको आपने रब करना है, रब करना है जब तक ये जो है बिल्कुल ड्राई होना हो जाए आपकी स्किन पर। ठीक है, और इसके पार्टिकल आपको दिखेंगे अभी जो कि मेरे से ड्रग रिमूव करेंगे। दिस राइस जेल इज सुपर अमेजिंग, या हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन में ऑयल आता है, हमारी स्किन में समर में हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, उसमें ग्लो नहीं रहता, हमारी स्किन अनइवन हो जाती है। ठीक है, हमारे ये हाथों के लिए भी है, ये फेस के लिए भी है, और ये मेरी तो बहुत फेवरेट है, और जो मेरे जो कस्टमर्स हैं और जो मेरी हमारी छोटी सी वी शॉप फैमिली है उसमें ये सबकी बहुत बहुत फेवरेट है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि अभी जो है ना मेरी स्किन पे मेल आना शुरू हो रही है। ठीक है, यू कैन सी, ये चेक करिएगा। ठीक है, अब यहाँ दिखाती हूँ आपको उसको रब करना है। जस्ट यू हैव टू रब, मसाज करना है इतने हल्के हाथ से कि जो है आपकी हार्श फीलिंग ना आए आपको आपके फेस के ऊपर। ठीक है, आप उसको फेस पर लगा के मसाज करेंगे हल्के हाथों से, आपने उसको रब नहीं करना है, स्क्रब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही अपना काम करती है आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल ईजिली होकर। इसको मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये जो जब पार्टिकल्स ये बनना शुरू हो जाएंगे ना आपकी स्किन के ऊपर, इट मीन्स कि इसने आपकी स्किन से काफी हद तक जो आपकी जो मेल है वो निकाल दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल ड्राई हो चुका है मेरी स्किन ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको साफ करूंगी पानी की मदद से, इसको साफ। ठीक है, यू कैन सी आपने टिश्यू से करना है, आपने कोई अपना मेकअप रिमूविंग वाइप लेना है। ठीक है, आप जो भी चीज़ चाहें उसे लेके उसको आप साफ करेंगे। ठीक है जी, मेरा टिश्यू है वो ऑलरेडी खराब हुआ हुआ है, एक जो है ना ड्राई टिश्यू लेके आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे जो है इसने आपकी स्किन सारी मेलों को बाहर निकाल दी। यहाँ पर हमने कम्प्लीटली इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, आपके सामने ही मेल आए थे, सामने मैंने स्क्रब किया था। ठीक है, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। आई होप सो कि आप डिफरेंस देख पाए कि मेरी स्किन क्लीन हो गई है। ठीक है, डर्ट फ्री हो गई है, और जब ये आप इसको वीकली आप दो बार इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन सी कि आपकी स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस ये है कि मेरी स्किन साफ हो गई है ये वाली। ठीक है, इसमें अगर फोकस करना, ये स्किन मेरी बिल्कुल साफ हो गई है। ठीक है, यू कैन सी इजिली। ठीक है, स्किन साफ हो जाती है। इसके बारे में मैं आप लोगों की जितनी बातें बताऊँ उतनी ही बातें कम है। दिस इज द मेन प्रोडक्ट फॉर समर्स, क्योंकि समर्स में हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, हमारी स्किन में ऑयल आ जाता है, हमारी स्किन जो है वो एकदम से अनइवन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, सन टैन हो जाता है। वीकली अगर आपकी स्किन एक्सफोलिएट हुआ करेगी तो फिर आपकी स्किन से जो है काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे, हमें समर्स हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं, एक्नी हो जाती है, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें टूल।